बहुत भयंकर सा एक्सीडेंट हुआ है आगे। कितना गाड़ी होना चलो हमरा के पूछ ले बोले यही नहीं रात जाए किसी जो बड़ा गाड़ी तो कितना का एडवेंचर हेलो एवरीवन मैं निखिलेश मिश्रा अभी पहुंच चुके हैं कोलकाता और कोलकाता पहुंच गए थे सुबह में 6 बजे गरीब रथ से और फिर प्लान था दीघा जाने का प्लान अभी भी है बट हो सकता है ड्रॉप भी करना पड़ सके क्योंकि आप देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और ट्रैफिक होने के कारण ये बहुत भयंकर सा एक्सीडेंट हुआ है आगे। ये मेरे साथ बताओ जी अपना नाम अमित साथ में आए हैं इनके पता हाँ। नहीं कहाँ लेके चले आए हैं। इसका ही प्लान था कि दिग्गज जाना है अब देखो कैसा प्लान बनाया है ही और इसको आता थोड़ा बहुत बंगाली बोलने से बात करके इसको पता चला कि आगे कुछ बेसिकली 3-4 लोगों का एक्सीडेंट हो चुका है जो स्पॉट डेथ हो चुका है वहीं पर और लोकल्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम करके रखे हुए हैं आगे किसी को जाने नहीं दे रहे हैं इसीलिए कुछ 1 घंटा तो हो गया हम लोग का पता नहीं और कितना टाइम लगेगा आगे निकलने में अपडेट आपको करते रहेंगे। स्टार्टिंग ही ऐसा हुआ जर्नी का पता नहीं तो देखिए आगे कैसा होता है। आपको हिंदी नहीं आता है? नहीं नहीं वहाँ बांग्ला है। अभी कुछ भी नहीं साफ हुआ उधर से? नहीं अभी साफ होने में बहुत टाइम हो जाएगा कम से कम 2-3 बज जाएगा साफ होने में आज उधर का जितना मोहल्ला का जो आदमी था ना सब रोड टूट गया है। दो बज जाएगा तो पहुँचने में 5 बज जाएगा हम लोग। और कोई रास्ता नहीं है ना जाने का यही है? निकल के स्टेशन चले जाए स्टेशन से आगे कितना गाड़ी होना चलो हमरा के पूछ ले बोले यही नहीं रात जाए कैसे दो बड़ा गाड़ी तो और बैक जे तो यानी भी आना चाहिए ना सब जाम किए हुए देख रहे हो खाका इधर मदर प्रॉपर आवे इधर खाका हां इधर भी तो खाका ही जा रहा है चलो आना चाहिए ना चल तो बिका यही नहीं राइट टेंपो को चल लाओ जाएबे नहीं करेंगे पता नहीं कब तक यहाँ सिर्फ बैठने से तो कुछ होता नहीं 3 बज जाता बैठे बैठे ऐसे ही 2-3 घंटे हो गए थे फिर हमने सोचा कि चलो चलते हैं स्टेशन वहाँ से एक स्टेशन था मेचेदा वहाँ पे चलेंगे और फिर वहाँ से देखते हैं आगे का क्या सीन बनता है तो इसीलिए चल गए हम लोग अपने बस और वहाँ से अपना सामान उठाकर टेम्पो में बैठ गए। ऐसे वैसे जैसे तैसे करके ये ट्रेन पकड़ा ही गया वरना कैंसिल ही था। ये पहुंच गए हम लोग मेचेदा स्टेशन पे पहले उतरे और उतरने के बाद यहाँ पे बस स्टैंड पे आके पता चला कि ये जो नेशनल हाईवे को छोड़ के आया बस वही सारा बस यहाँ पे आके दिग्घा को जाएगी क्योंकि पहले से वहाँ जाम लगा हुआ था तो इधर कोई बस ही नहीं आया अभी तक 10 मिनट से हम लोग आए हैं यहीं पर कोई बस नहीं आया है देखते हैं कब तक आता है बस और हमको ऐसा लग रहा है कि जो बस आएगा घूमना वाला ही बस नहीं आएगा और उसे ही ना जाना पड़ेगा। टैक्सी का भी पता किया तो टैक्सी वाले ले रहे हैं 3500 वो भी एक उपाय है अगर कुछ नहीं हुआ तो उधर उससे जाया जाएगा बट जाएंगे ही ज़रूर ठीक है। तो फाइनली 2 बस चेंज करने के बाद एक ट्रेन और एक टेम्पो चेंज करने के बाद अभी तक हम लोग होटल नहीं पहुँचे हैं पहुँच चुके हैं मंदारमनी बीच जो कि यहीं पर है बट अभी बारिश हो रहा है तो इसलिए वहाँ भी हम लोग नहीं गए हैं। बारिश इतना तेज़ हो रहा है हमने एक लिया था
शेयरिंग ऑटो जो हमें यहाँ तक छोड़ के गया, यहाँ से बस 500 मीटर है हमारा होटल, पता नहीं कब पहुँचेंगे वहाँ, बारिश रुकेगा तभी पहुँचेंगे। मैंने एक बार कहा था भगवान को कि एडवेंचर बहुत पसंद है हमको, सोच समझ के बोलना चाहिए आदमी जो भी बोलता है। इतना ज़्यादा एडवेंचर, बारिश भी पसंद है लेकिन इतना ज़्यादा, ठीक है यार चलेगा, चलते हैं। अच्छा तुमको लगा हुआ भी है ना, बड़ा चला पीला हो गया पीछे से। फाइनली हम लोग को टेम्पू मिल गया, उधर था बीच, अभी हम लोग जा रहे हैं होटल। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने होटल, और होटल से जो व्यू दिख रहा है आप खुद ही देखिए, क्या ही दिख रहा है, ऐसे ज़्यादा बोलने का मन नहीं है। सामने है गम बीच, बैठने के लिए कॉटेज, थोड़ा सा रिलैक्स किया जाएगा और फिर मिलते हैं कल अगले दिन। क्या किया हमने आने के बाद, आज के लिए हमको लग रहा है कि इतना काफ़ी है, समय बच गया 3, बारिश होता तो निकलते हैं बंगाल के खाड़ी में भ्रमण करने। चलिए मिलते हैं कल फिर, अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।